Alright. Hi guys, welcome back to my channel Shy Style. Super excited for this video. कौन मैं तुम? मैं भी excited हूँ. सब. क्या रख लो ना नीचे? उठो. अरे बाप रे बाप. Hey guys, welcome back to our channel Shy Styles. इसे 50% share मेरा भी. हो गया. चैनल शाय स्टाइल सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो मैं भी एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा आप सब ओके तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ कितना लेम चीजें बोल रही हूँ ओके सो फाइनली ऑफिशियली मैं अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मेरे हस्बैंड को देखा भी होगा क्या हॉकी नहीं है कि मैं आपका हस्बैंड हूं तो गाइस आज मैं करने वाली हूँ फाइनली फर्स्ट वीडियो माइन के साथ मेरे चैनल पे आज हम करने वाले हैं हस्बैंड टैग ये कौन सी नई वीडियो है हस्बैंड टैग इसमें ये होता है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ ठीक है और उसका आपको जवाब देना है मैंने क्वेश्चंस निकाल लिए हैं हस्बैंड टैग है तो हस्बैंड वाले क्वेश्चंस पूछूंगी ना मैं आपसे पर्सनल वाले कुछ भी हो सकते हैं यार आपको बस जवाब देना है ब्रिंग इट ऑन ब्रिंग इट ऑन एंड सारी चीजें सच्ची सच्ची जवाब देनी है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहां पे खैर 35 क्वेश्चंस हैं बट मैं आई थिंक 10 ही क्वेश्चंस 10 टू 12 क्वेश्चंस मैं से पूछने वाली हूं लेट्स सी गाइस मेरे क्वेश्चन आपने लिखे हैं नहीं यहां पे सर्च करेंगे डायरेक्टली बता देंगे आपको नो मैं पिछले आध घंटे से तो क्वेश्चन बता दो क्या क्वेश्चन बता दो बता ही नहीं नो तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और आई गाइस आर यू एक्साइटेड आई एम एक्साइटेड चलो नर्वस Little bit. नहीं नर्वस लिटरली पसीना आ गया अरे ये लाइट इतने ना पास रखी हुई है रिंग लाइट मेरे पर गर्मी लग रही है मुझे सो मैं आपको बता दूं कि हम 6 साल से जानते हैं दूसरे को जानते हैं पहले हम फ्रेंड्स थे फिर हम बेस्ट फ्रेंड्स हुए फिर अच्छे फ्रेंड्स हो गए फिर लव स्टार्ट हो गया 7 साल हो गए 2021 चल रहा है पहले अच्छे फ्रेंड्स थे फिर बेस्ट फ्रेंड हो गए फिर लव स्टार्ट हो गया फिर किस्मत फूट गई शादी हो गई और कहाँ फर्स्ट टाइम मतलब पर्सनली मिले थे खाली देखा था मिले बता दो पहली बार पहली बार हम मिले थे 1st October 2014 को वही मिले थे ये इनके कॉलेज के पास एक फुटओवर है उस फुटओवर से उतर रही थी और मैं उसको देख रहा था हम ऑब्वियसली पहली बार उसी दिन मिले थे 1st October 2014 को 9:15 बजे ओ टाइम नहीं याद मुझे सॉरी बट इन्हें याद है क्या बात है ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एंड वेयर वाज आवर फर्स्ट डेट डेट तो की मुझे वो ही था यार अक्टूबर डेट तो हमें सच कोई याद नहीं क्या फ्रेंड्स बन गए थे अब वो डेट मान लो चाहे कुछ मान लो हम घूमने गए थे वाटर पार्क गए थे पहले गए थे हम गाजियाबाद वाले वाटर पार्क में वो बंद मिला फिर हम गए आपका स्प्लैश वाटर पार्क उसके बाद मुझे उल्टी हो गई थी मोशन सिकनेस उसके बाद फिर छोड़ दिया वही 1st October वही डेट ही कह सकते हैं ओके ऑलराइट यू गाइस बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन होने वाला है Where was our first kiss and how it was it? नहीं यार ये नहीं बताऊंगा नहीं ना पर्सनल है यार ओके पर मेरे को पता है देखो मुझे बिल्कुल याद है मुझे जगह भी याद है मुझे टाइम भी याद है मुझे हर चीज याद है पर यार मैं नहीं बताता ओह ओके गाइस ऑलराइट यू गाइस सो आई होप आपको ये हस्बैंड वाइफ के क्वेश्चन आंसर्स में मजा आ रहा होगा सो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि समर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है हमारा सनस्क्रीन ताकि हमारी स्किन प्रोटेक्ट रहे तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये न्यू वाव स्किन साइंस का सनस्क्रीन सो इट हैज़ मैट फिनिश न्यू पैकेजिंग है पंप के साथ आता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाता है इसका जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है बट एट द सेम टाइम ये स्किन में बहुत अच्छे से अप्लाई होता है स्टार्टिंग में आपको लगेगा आपका थोड़ा वाइट कास्ट है बट जैसे ही स्किन में मेल्ट होना स्टार्ट होता है डिसअपेयर हो जाता है और बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है एंड इट गिव्स यू अ मैट फिनिश तो ऑयली वाली स्किन की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है सो इट हैज़ नेचुरल सन ब्लॉकर
मेकर्स लाइक रेस्पबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरसीड एक्सट्रैक्ट एंड एवोकाडो ऑयल, जो कि आपकी स्किन को नरिश भी करता है। ये SPF टेस्टेड है एंड इट हैज SPF 55, विच मीन्स कि बहुत अच्छी प्रोटेक्शन आपको मिलने वाली है UVA एंड UVB से। आपकी स्किन काफ़ी प्रोटेक्ट रहने वाली है इस समर टाइम में। इट हैज नो पैराबेन, नो सिलिकन, नो मिनरल ऑयल, नो कलर्स, मतलब ये एक तरीके से काफ़ी सेफ है आपकी स्किन के लिए। प्लस ये डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है गाइस, और ऑल स्किन टाइप्स को ये सूट करता है। एंड दिस सनस्क्रीन इज ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंट, सो समर के टाइम में तो बहुत स्वेटिंग होती है, तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। प्लस दिस प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया। आप यहाँ साइड में अगर देखोगे तो आपको एक QR कोड मिलता है, जो कि आप अगर स्कैन करते हो तो आपको इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में भी पता चलेगा। एंड प्राइस इज जस्ट 499 रुपीज़। आप इसे बाय कर सकते हो काफ़ी सारी वेबसाइट से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके अलावा छोटा सा टिप मैं आपको देती हूँ, सजेशन इज लाइक कि आप भी सनस्क्रीन लगाने के साथ साथ मेक श्योर अगर समर टाइम में बाहर निकले हो तो एक स्कार्फ आपको रखना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर स्किन, एक हैट वगैरह आप रख सकते हो। सो या दैट्स इट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट। व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मी? अब वो आवाज सुन के या फिर देख के ही बताओ ना, दोनों ही चीजें। इंप्रेशन क्या पड़ा, आवाज छोड़ो ना, आवाज का तो अलग इंप्रेशन पड़ा। अच्छा चलो, आवाज का तो इंप्रेशन बड़ा मस्त है, एकदम बच्चों वाली आवाज थी। और मैंने पता तो बहुत छोटी होगी उम्र में, पर यार नहीं, मुझसे एक साल बड़ी निकली है, इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम आवाज सुनी थी। क्या होगी, दो साल बड़ी हूँ। हाँ, दो साल डेढ़ साल। तो वो सुनो, और इम्प्रेशन फर्स्ट टाइम देखा था तो अच्छा था, मतलब फोटो देखी थी तो वो मोटा मोटा लाइनर काजल लगाना। गाइस मैं 2014 में जब मिली थी, 2013 में काजल आया था, और मैं उस टाइम वही अप्लाई करती थी, मोटा मोटा नहीं, थिक काजल। उस टाइम पता नहीं क्यों, क्या इंप्रेशन, मैं तो फ्लैट हो गया। ओह गॉड, मैं पहले दिन फोटो से ही फ्लैट था। ओह माय गॉड, ओके, सो ये इंप्रेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when and why did you fall in love me? ठीक है, when, कब और क्यों तुम मेरे प्यार में पड़ गए? क्यों का तो नहीं पता, पर कब है, जब पहले दिन आवाज सुनी थी, जब मैं अट्रैक्ट हो गया था, और जब पहली बार देखा था, मैं प्यार में गिर गया था। पर मैंने इसको बताया नहीं, रोमियो डायवान, पर मैंने इसको बताया नहीं कभी भी, पर मेरा यही था कि फिर मैं पटाने में लग गया था। मुझे नहीं पता था, दो ढाई साल लग गए पटाने में, पर मैं पटाता चला गया, क्योंकि मेरे को ये नहीं था कि दो दिन पटा के फिर वो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, नहीं, मुझे लंबा रखना था, फिर मैं दो साल में दो ढाई साल लगा पटाने में, इतना लंबा रखा कि शादी कर ली। बिल्कुल शादी कर ली। और क्या था पूरा क्वेश्चन, क्या था, और क्यों? हाँ क्यों, क्यों यार पड़ गए मेरे प्यार में, कब तो बता दिया आपने, वो था पहला अक्टूबर को आवाज सुन ली थी इन्होंने, 21 सितंबर को। लड़की जिसने जिंदगी में मुझे इम्पोर्टेंस दी, घर से अलग कोई बहन और मम्मी को छोड़ के पहली लड़की बाहर जिसने कोई इम्पोर्टेंस दी, भाई मेरे को तो दी इसने, और मैं तो हो गया। पर मैं तो मतलब एज अ फ्रेंड दी, चाहे कुछ भी दी, पर कोई आपसे पूछता है कैसे हो, क्यों हो, कहाँ हो, कब हो, कैसे हो, जो भी है, इट मींस आई वाज केयरिंग गर्ल, तो इसीलिए मैं तो भाई फ्लैट था। केयरिंग वाइफ हूं, केयरिंग गर्ल हूं, दोनों चीज हो, वाइफ भी हूं, मस्त हो, मस्त हो, बस क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, व्हाट डू यू डू to do for living and are you using your college degree? No. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कॉलेज डिग्री तो यार मैं सजा कर रखी हुई है लिविंग के लिए। तो मेरा तो फुल टाइम YouTube है, मयंक का भी 50% YouTube है, 50% family business में है, एंड या जवाब तो मैंने को देना है। हाँ नहीं तुम्हें दे दो, तो फैमिली बिजनेस है और 50% YouTube है, और डिग्री जो है तो मैंने रख के चने खा लिए थे। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं यार एवरेज गाय था, इसलिए मेरी डिग्री कहीं काम नहीं आने वाली थी, मुझे पता है, मैं स्टडीज में बिल्कुल एवरेज था, तो पास मैंने कर रखी हर चीज, पर वो डिग्री रखी हुई है अंदर यार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ओके,
What do you love about me? This is nice question. ऐसा कुछ नहीं होता कि what do you love about me? फिल्मों में आंसर देते हैं कि यार नहीं, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक, तुम्हारी कान, तुम्हारा होठों का तिल, जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है यार। प्यार हो जाता है, बस हो गया, हर चीज से होता है प्यार। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ शक्ल से प्यार कर लो या सिर्फ काम से प्यार कर लो, मुझे प्यार था इसके हर चीज से, हर चीज से प्यार हो गया था। हर चीज भी प्यार, अगर प्यार हो जाता तो आपको फिर हर चीज भी प्यारी लगती है, और प्यार भी आपको हर चीज से हो जाता है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं कैसे मजाक कर रहा हूँ यार, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे को देखते नहीं। How do you keep a relationship healthy in life? एक रूल फॉलो करते रहो, जिंदगी अच्छी चलती रहेगी, वाइफ इज ऑलवेज राइट। ये रूल मैं फॉलो कर रहा हूँ, वाइफ इज ऑलवेज राइट, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई रूल नहीं है फिनेस का शादी के बाद। शादी से पहले बहुत रूल होते हैं, पर शादी के बाद एक रूल बचता है। Okay, next question is, what key element makes a relationship and marriage successful? ये शादी को successful, अभी शादी मतलब हो गई है, अभी शादी को टाइम कितना होगी successful बताया, अभी तो चीजें आ गई हमें फेस करनी बाकी, अभी तो बहुत चीजें, अभी तो सब कुछ स्टार्ट हुआ, अभी तो बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। बाकी हमारा एक दूसरे पर ट्रस्ट और एक दूसरे के लिए हमारा प्यार जो है, मतलब अगर मुझे कोई ये भी कहते ना रात के टाइम कि मैं उधर होगा किसी के साथ, नहीं बिल्कुल होगा नहीं, हो सकता। बट मैं बता रही हूँ ना, ट्रस्ट सब कुछ है, मेरे को ट्रस्ट है, मतलब ट्रस्ट है। और हमारी रिलेशनशिप में कोई थर्ड बंदा इन्वॉल्व नहीं है, चाहे लड़का चाहे लड़की, हमारा कोई भी नहीं, थर्ड बंदा इन्वॉल्व नहीं करना है लाइफ में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और प्लेस यू वांट टू ट्रैवल विद मी, चलो मान लो बता दूं, लास वेगास एंड एम्स्टर्डम, माय ड्रीम प्लेसेस। दो और दोनों के नाम भी सोच रखे, मैं बताऊंगा नहीं, पर दो ना, जेंडर बताऊंगा ना मैं कुछ बताऊंगा, पर मैंने दो सोच रखे और जेंडर को भी मिल जाए, बाकी मैंने दो सोचे हैं और ये नाम भी सोच रखे हम दोनों ने, और वो मैंने शादी से पहले सोच रखे थे। नहीं, लड़के का नाम अभी शादी के बाद सोचा है हमने, लड़की का आपने सोच रखा था, मेरे मिलने से पहले भी सोच रखा था। बताऊंगा ना अभी, क्यों मैं नहीं बताऊंगा। हाँ तो मैंने तो बता रही हूँ का नाम, दो बच्चे, ठीक है। व्हाट इज माय फेवरेट कलर? येलो, सबसे मेरे को आसपास येलो दिखा देता है, और ऐसे कोई कलर मतलब फेवरेट इनका तो नहीं है, पर इनको तो हर चीज पसंद है यार। जो एक चीज आप डेली खाना चाहते हो, वो कौन सी हो सकती है, कौन सी होगी? यार अलग 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 चीजें पीने के लिए तो आपको डेली नारियल पानी चाहिए, कोकोनट वाटर, खाने का नहीं पता, पीने के लिए इनको डेली वो चाहिए नारियल पानी, खाने के लिए कुछ भी चल जाता है। What is my eye color? अभी बताया। Brown. Okay. Next question. Who is my best friend? आपकी best friend इस वक्त कौन है? यार अब एक नहीं है, सागर बागर है, मतलब दो तीन ही है, वही बेस्ट है, वही खास है, एक तो नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं बोलूंगी, but हाँ, mine is my best friend. कोई, देखो friend नहीं कर सकती। कर लो। Alright, next question is, if you baked me a cake, what kind would I like? मतलब डिजाइन की बात कर रहे हो कि फ्लेवर की बात कर रहे हो? फ्लेवर बोल लो, डिजाइन तो मेरे को आई थिंक सिर्फ राउंड ही पसंद है, मोस्टली स्क्वायर पसंद है। केक राउंड मैटर नहीं करता पहली बात तो। हाँ चलो ठीक है, केक मैटर नहीं, बस ये है कि इफ यू बेक मी अ केक, व्हाट काइंड वुड आई लाइक, किस तरीके का मुझे पसंद है? चॉकलेट में कोई वैरायटी ले लीजिए। चॉकलेट में एक वैरायटी है जो मुझे बहुत पसंद है, चॉकलेट का फज होगी, फज नहीं, ओ सॉरी, चॉको ब्राउनी। चॉको ब्राउनी, रिक्वेस्ट की भाई दुकान खोल,
मसाला सोडा बनवाया, अपने भाई को पकड़ा कि भाई से पकड़, मैं गाड़ी खोलता हूँ। भाई ने सिर्फ ढक्कन पकड़ा, नीचे से ग्लास निकले गिर गया। फिर ठीक है, हमने दूसरा बनवाया, सॉरी क्वेश्चन भाई और बना दे प्लीज। घर लेके आए, मैडम को दी, मैडम ने सिर्फ मारी, मैडम डॉक्टर, मैडम वो भी गिर गया। मतलब कल किस्मत में नहीं था ये, मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। व्हाट इज द यूनिक टैलेंट आई हैव? यूनिक टैलेंट डांसिंग, बड़ा अच्छा। यूनिक तो नहीं यार, वो तो कॉमन ही है। यूनिक तो सच टैलेंट यार, हर सारे काम कर लेते, सब कुछ कर लेते जो कि हर लड़की करती है। यूनिक मल्टी टैलेंट हो ना, मल्टी टैलेंटेड है, पर यूनिक है। तुम्हें कोई यूनिक टैलेंट? एक्सक्यूज मी, पूछ रहा हूं तुमसे, पूछा जा रहा है यार। 6.5 फीट का बंदा यार, उंगलियों पर ऐसा रखा ही है, उंगली है एक यूनिक टैलेंट। हां ये अच्छा आंसर था, फिर से बोला अच्छा लगा मुझे। 6.5 फीट का बंदा उंगली पर ऐसा रखा ही है, ये एक यूनिक टैलेंट है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वियर्ड हैबिट्स ऑफ ईच अदर। यार मैं बताता हूँ, मेरी 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 मैं क्या, आपकी एक तो बाल तोड़ना ऐसे करती हैं और ऐसे करके कोने से बाल तोड़ देती हैं। बहुत वियर्ड है। आपकी वियर्ड हैबिट मैं बताऊँ, बहुत सारी हैं, कितनी बताऊँगी यार मैं। मैं रातों से तो खराटे लेता हूँ, पर ये वियर्ड नहीं है। आई थिंक इट्स नॉट वियर्ड एक्चुअली, बहुत सारे लोगों के साथ होती है। बट आप बहुत जल्दी ना ऐसे बोलते हो, ओके मैं ठीक हूँ, और दो सेकंड में आपके ही होता है, शायद बहुत लेट हो रहा है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, वो मुझे बहुत वियर्ड लगता है। नहीं वो मेरे लिए वियर्ड है, बहुत वियर्ड है कि एक सेकंड पहले आप बहुत शांत हो, एक सेकंड के अंदर अंदर रेडी हो जाता हूँ खुद ही, और इतनी जल्दी हो जाती है कि मतलब सारी दुनिया पीछे रह जाती है और मैं इनका गुस्सा शुरू, तो वो मुझे बहुत वियर्ड लगता है। व्हाट डू वी आर्ग्यू अबाउट द मोस्ट, हम सबसे ज्यादा किस चीज पे आर्ग्यूमेंट करते हैं भाई? मेरे काम करने के तरीके को लेकर, और मेरा आलस को लेकर, मेरी लेजीनेस को लेकर। लेजीनेस को लेके मेरा सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, सबसे ज्यादा कि मैं उठ जाऊँ कुछ कर लो। अभी मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइम बज रहे हैं 5:42, मैंने मयंक को बोला था सुबह 11 बजे कि मुझे हस्बैंड टैग का वीडियो करना है, प्लीज रेडी हो जाना। ऐसे नहीं यार, एज अ फ्रेंड भी हमने बहुत बार एक दूसरे को मैंने बोला इसको आई लव यू। नहीं दोबारा से क्वेश्चन सुनो। अच्छा, हु वाज द वन टू से आई लव यू फर्स्ट? मैंने बोला था ना पहले, मैंने बोला था, पर मैंने एज अ फ्रेंड बहुत बार बोला था, पर वो आपका एज अ फ्रेंड नहीं था। हां मेरे तरफ से एज अ फ्रेंड नहीं था, पर इनकी तरफ से एज अ फ्रेंड था, पर ये नहीं पता, याद नहीं कि वो एक्सेप्ट कब हुआ था, कि वो लीगल कब हुआ था, ये मुझे भी याद नहीं है। बट टाइम एज अ फ्रेंड बनते 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 हो गया यार। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है काफी अलग। व्हाट इज योर मोस्ट रिपीटेड फ्रेज और सेंटेंस? तुम्हारा? मेरे तो हर बात और हर सेंटेंस वो होती है, रिपीट होती है, मैं एक ही बात 10 बार बोलता हूं। मैं बता सकती हूं गाइस, कौन सा जो सबसे ज्यादा सेंटेंस, एक्चुअली इट्स नॉट सेंटेंस, इट्स अ वर्ड। गाली है क्या? हां हां हां, अरे वो मैं को सेने के बाद भी नहीं बताऊं, मेरे को पता नहीं, दिल्ली में निकली जाती है, ऐसा कुछ कोई नहीं है, मैं इंटेंशनली नहीं देता, गुस्से में नहीं देता, पर वो मजाक मजाक में। और एक और सबसे ज्यादा वर्ड जो माइंड के मुंह पे रहता है, कौन सा सोचो, इस वीडियो में देख के सोचो कौन सा वर्ड होता है। एक मेरे मुंह से भाई बहुत निकलता है, भाई भाई, चाहे लड़का चाहे लड़की हो, भाई निकलता है। और मुझे कुछ याद नहीं, देखो शाय फिर हम जब मिले तो मैंने शाय बोलना स्टार्ट ही कर दिया, मैंने आज तक सायमान नहीं बोला, मैंने सिर्फ शाय ही बोला है। ऑलराइट, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं आपसे, तो वैसे सारे आंसर मुझे अच्छे लगे, कुछ बुरा नहीं लगा। जब कुछ चोरी वाले क्वेश्चन होते हैं तो ज़्यादा मजा आता है ना, कुछ हिडन क्वेश्चन होते हैं। माइंड की लाइफ में ऐसा कुछ हिडन नहीं था, बट फिर भी हो सकता है कुछ छुपाया हूँ, बहुत कुछ छुपाया। ऑलराइट यू गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो हस्बैंड टैग। तो हस्बैंड टैग वीडियो मैंने कर दिया, आप चाहते हो वाइफ टैग करवाना तो प्लीज कमेंट करना, जो कि आपको मयंक के चैनल पे देखने को मिलेगा, माता जी बट मयंक का चैनल एवरी टाइम आई सेड, एवरी टाइम ही सेड, मैं घर से बोलता करे सोता मेरे घर में, नो इट्स
our channel Master Tuber, जो कि हमारा couple channel है. So yeah, make sure to check out that channel, जहाँ पे बहुत amazing videos आपको मिल जाती हैं. तो अगर आपको ये वाला challenge अच्छा लगा हो तो please like, share, subscribe to my channel. और क्या आप मेरे husband के साथ challenge देखना चाहते हो, makeup challenge छोड़ के, हाँ वो आ सकता है कभी भी. और देखना चाहोगे तो comment कर दीजिएगा, हम definitely करके दिखाएंगे. चलो okay, bye. Bye, bye. Bye guys. Bye करो, ऐसे करना है, bye. Bye.